तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं इस प्रकार का सीबी फोटो एडिटिंग, जो कि आप लोगों को देखने में काफ़ी ओसम लग रहा होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग बिफोर देख सकते हैं फ़ोटो हम लोग का जो कि क्लिक हुआ था, और हम लोगों ने जो फ़ोटो को एडिट किया है वो वाला फ़ोटो आप लोग देख पा रहे हो डिस्प्ले पे। अगर आप लोग फ्रेंड्स इस तरह का एडिटिंग सीखना है तो तभी आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले हम लोग सबसे पहले अपने ओरिजिनल पिक को क्लिक करेंगे और उस फोटो को पहले शेयर करेंगे अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। और स्नैपसीड एप्लीकेशन जो कि आप लोग जानते होंगे गाइज, इसमें टूल्स वाला ऑप्शन में सबसे पहले आना रहता है। और टूल्स वाला ऑप्शन में आने के बाद हम लोग आएंगे अपने टीम इमेज पे, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे। थोड़ा इतना इंक्रीज करने के बाद सेचुरेशन को भी इंक्रीज करेंगे, एम्बाइंस को भी इंक्रीज कर लेंगे। एंड यहाँ से फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, थोड़ा सेचुरेशन को कम कर देते हैं और यहाँ से अब राइट क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे डिटेल्स वाला ऑप्शन में। डिटेल्स वाला ऑप्शन पे आने के बाद थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, शार्पनिंग को फुल करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स इतना होने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, टूल्स वाला ऑप्शन पे आएंगे, आ जाएंगे नीचे और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, और हम लोग एक PNG ऐड करेंगे फ्रेंड, जिसकी मदद से हम लोग करेंगे फेस वाइट। तो हम लोग का ये PNG ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड नहीं चेंज करना है, नहीं ओपेसिटी कम बेसी करना है, यहाँ से जितना है उतना पे ही सिर्फ राइट कर देना है डबल एक्सपोजर में से ऐड करके। और आना है व्यू एडिट्स पे, यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करना है, ये आई टैप का है इस पर क्लिक करके, और इस प्रकार से आप लोग को फ्रेंड्स जूम करके इस तरीके से आप लोग फ्रेंड्स वीडियो की स्क्रिप करेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहीं का हम लोग का मेन फंडा है। आप लोग कैसे फेस को वाइट करते हैं, मैं कैसे फेस को वाइट करता हूँ, बहुत काफ़ी कमेंट आता है भाई, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को बस समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि स्नैपसीड में इससे अच्छा कोई नहीं ट्रिक बताएगा आप लोगों को। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग फेस करना, स्मूथ करना और वाइट करना सीख जाएंगे गाई। तो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक कर देना, अभी वीडियो को लाइक मत करना भाई, आपका भाई जब इस कमाल की वीडियो एंड करेगा तभी आप लोग वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लोग जब तक समझोगे नहीं तो आप लोग करना मत भाई। तो यहाँ से करते हैं इस टाइप से, मैं पेंट कर लेता हूँ। हम लोग पेंट कर लिया जैसे तैसे, तो यहाँ पे आप पेंट करने के बाद इस आई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड आप लोग देख पा रहे होंगे अब हो गया हम लोग का फेस वाइट। तो यार गाइस यहाँ से आए गए बैक, और आप लोग अब बिफोर आफ्टर देख पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड, हम लोग यहाँ से फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पे आएंगे, एंड टूल्स वाला ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे सिलेक्टिव टूल पे आएंगे। सिलेक्टिव टूल पे आने के बाद इस टाइप से अपने फेस पे इसको पेंट पे लगाएंगे, और यहाँ से थोड़ा सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे फ्रेंड। इतना करने के बाद फिर से प्लस वाला आइकन पर अपने टी शर्ट पे आएंगे, और लास्ट वाला जो है स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फ्रेंड, टूल्स वाला ऑप्शन पे आएंगे, सिलेक्टिव वाला ऑप्शन पे आएंगे दोबारा, और इस टाइप से अपने दाढ़ी पे फ्रेंड इस तरीके से करके और यहाँ से स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे। फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके अपने हेयर पे आएंगे, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे। फिर से यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर को बढ़ाना है, तो आप लोग ध्यान से इसको करिएगा फ्रेंड। और यहाँ से आप लोग जब तक लाइटन ना हो हम लोग का पूरा हेयर वहाँ से, तब तक हम लोग इस तरीके से करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, यहाँ पे इतना करने के बाद इसको यहाँ से अब क्या करते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं। देन अब क्या करेंगे फ्रेंड, फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से ब्रश वाला आइकन पे आएंगे, और यहाँ पे सेचुरेशन का जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इस टाइप से आप लोग को जूमिंग करके यहाँ पे लिप्स भी इस तरीके से पेंट कर देना है, और अपने चश्मे पे भी पेंट कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पे पेंट करने से आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपको दिखा दे रहा हूँ, पेंट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक कर देते हैं, तो फ्रेंड अब आप लोग देख पा रहे होंगे बिफोर आफ्टर। यहाँ से अब हम लोग सिंपली सा क्या करेंगे, फोटो को करेंगे शेयर अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज हम लोग को लाइट रूम एप्लीकेशन में आ जाना है, यहाँ से आने के बाद लाइट्स वाला ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है,
हाइलाइट्स को माइनस करना है, शेडोज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, वाइट्स को माइनस कर देंगे, ब्लैक्स को भी माइनस ही करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे अच्छे तरीके से कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, टिंट को थोड़ा सा माइनस में कर लेंगे, एंड मिक्स टूल पे आएंगे, आप लोग सेकेंड थोड़े फ्रेंड ग्रीन वाला ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से इसको सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे और इसके ह्यू को माइनस करेंगे, सॉरी फ्रेंड डिक्रीज करेंगे, और यहाँ से येलो वाला पे आएंगे, येलो वाला के सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे और ह्यू को छोड़ देंगे, और आ जाएंगे इस वाला ऑप्शन पे, इसके ह्यू को माइनस करेंगे, सेचुरेशन को इंक्रीज, तो एक अच्छा सा येलो इफेक्ट आ जाएगा हम लोग बैकग्राउंड में। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन पे आते हैं, इसके सेचुरेशन को माइनस करते हैं, लुमिनेंस को इंक्रीज करते हैं। तो गाइस जब आप लोग देख पा रहे होंगे यार, कितने अच्छे तरीके से हम लोग का फेस हो गया वाइट, एंड यहाँ से कलर्स को थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं। यहाँ से अब इतना करने के बाद यहाँ से ग्रीन वाले को माइनस करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं फ्रेंड, और यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन पे आएंगे, इसके ह्यू को इंक्रीज करके डन करेंगे, और यहाँ से आएंगे क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे फ्रेंड, थोड़ा बहुत क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद टेक्सचर को भी ऐड कर लेंगे, एंड आएंगे शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, डिटेल्स को फुल इंक्रीज करेंगे, नॉइज रिडक्शन को 70% रखेंगे फ्रेंड, और डिटेल्स को 50%, और कलर नॉइज रिडक्शन स्मूथनेस डिटेल्स को फुल फुल करना है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड, हम लोग का फेस बिल्कुल अच्छे तरीके से वाइट हो चुका है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था। तो आप लोग बिफोर आफ्टर देख पा रहे होंगे यार, वीडियो लाइक कर देना, पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और यहाँ से कर लेना फोटो को सेव अपने।